हेलो फ्रेंड्स, डायनेमिक्स के आज के इस वीडियो में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कंसेप्ट के ऊपर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और आज के ही इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। वो कंसेप्ट है कि अगर कोई बंदा किसी लिफ्ट में मूव कर रहा हो और उस बंदे का अगर लिफ्ट के अंदर ही वेइंग मशीन की हेल्प से अगर वेट मेजर किया जाए तो उस वेट के अंदर क्या चेंज आता है, इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को भी हम आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस कंसेप्ट के कोरस्पोंडिंग भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और इस चैनल की वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने जरूरतमंद साथियों के साथ इस चैनल को शेयर करें। तो आज की वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस लॉ इज नोन एज। हमें फ्रेंड्स एक लॉ की स्टेटमेंट गिवन है और हमें ये बताना है कि जो ये लॉ है इसको हम किस नाम से पढ़ते हैं। ऑप्शंस हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड कुलम्स लॉ। तो फ्रेंड्स इसके कोरस्पोंडिंग जो करेक्ट ऑप्शन है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। जैसा कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट होती है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट के ऊपर है तो वो रेस्ट के ऊपर ही रहेगी जब तक उस बॉडी के ऊपर कोई भार की फोर्स अप्लाई की नहीं जाए, या फिर अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो अपनी मोशन को मेंटेन रखेगी जब तक भार से कोई फोर्स उस बॉडी के ऊपर अप्लाई नहीं की जाती है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की जो स्टेटमेंट है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन थर्ड लॉ की स्टेटमेंट है। कूलम्स लॉ को हम फिजिक्स में पढ़ते हैं और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट क्वेश्चन में हमें गिवन थी। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन सीजीएस सिस्टम एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, तो फ्रेंड्स हम तीन तरीके के सिस्टम पढ़ते हैं, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम। तो हमें फोर्स की यूनिट सीजीएस सिस्टम के कोरस्पोंडिंग फाइंड आउट करनी है। सीजीएस सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट है वो फ्रेंड्स होती है डायन, एफपीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है पोंडल और एमकेएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो फ्रेंड्स आपको इन तीनों सिस्टम के कोरस्पोंडिंग फोर्स की यूनिट का पता होना चाहिए। पाउंड वेट जो यूनिट है फ्रेंड्स ये ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स है और ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स जब हम एफपीएस सिस्टम के कोरस्पोंडिंग फाइंड आउट करते हैं तो उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो यूनिट है वो पाउंड वेट होती है। तो फ्रेंड्स आप ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इन तीनों सिस्टम में भी पढ़कर एग्जाम के लिए जरूर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ए बॉडी ऑफ मास 150 केजी इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन फॉर 15 मिनट्स, इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ दिस पीरियड। फ्रेंड्स एक बॉडी है जिसका जो मास है वो 150 केजी है और इस बॉडी के ऊपर 5 न्यूटन की फोर्स को 15 मिनट्स तक अप्लाई किया गया है और हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि अगर बॉडी ने रेस्ट से स्टार्ट किया हो तो जो फाइनल वेलोसिटी है बॉडी की वो क्या है। बॉडी की फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस और एक इक्वेशन ऑफ मोशन होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो फ्रेंड्स इन तीनों इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करने के लिए जैसे है कि हमें फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है तो इनिशियल वेलोसिटी हमें जीरो गिवन है, टाइम हमें गिवन है 15 मिनट्स, एक्सेलरेशन हमें गिवन नहीं है लेकिन हमें फोर्स और मास गिवन है। तो फोर्स और मास की हेल्प से हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फोर्स के लिए फार्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स हमें गिवन है 5 न्यूटन और मास हमें गिवन है 150 केजी और यहां से हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करते हैं और जो एक्सेलरेशन फाइंड आउट होगा फ्रेंड्स वो होगा यहां से 1/30 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। फ्रेंड्स जो यूनिट है क्योंकि हमें फोर्स और मास की जो यूनिट है वो एमकेएस सिस्टम में गिवन थी, इसी वजह से जो एक्सेलरेशन की यूनिट है वो हमने एमकेएस सिस्टम के कोरस्पोंडिंग ही लिखी है। हमने एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर लिया है
तो अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू को पुट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को ऑब्टेन करते हैं। तो फ्रेंड्स इस इक्वेशन में जब हम एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे, वी इज इक्वल टू, जैसा कि इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 गिवन है, 1/30, टाइम हमें गिवन है 15 मिनट्स, लेकिन जैसा कि हम सारा का सारा काम एम के सिस्टम में सोल्व कर रहे हैं तो हम 15 मिनट्स को सबसे पहले सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम 15 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो जो टोटल सेकंड्स होंगी वो होंगी 900। तो फ्रेंड्स यहां से जो फाइनल वेलोसिटी हमें ऑब्टेन होती है वो वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, इक्वेशन ऑफ मोशन और फोर्स इज इक्वल टू मास इन टू एक्सेलरेशन की फार्मूले के ऊपर डिपेंड था। तो इस तरीके के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 1 किलोग्राम वेट एंड न्यूटन, दैट इज हमें फाइंड आउट करना है कि 1 किलोग्राम वेट कितने न्यूटन के इक्वल होता है। 1 किलोग्राम वेट फ्रेंड्स ये यूनिट होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की, और ग्रेविटेशनल फोर्स की यूनिट हम एम के एस सिस्टम में कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स 1 किलोग्राम वेट कितने न्यूटन के इक्वल होता है, ये डायरेक्ट फार्मूला है। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। तो फ्रेंड्स आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स जो हम तीनों सिस्टम के कोरस्पॉन्डिंग पढ़ते हैं उन सभी को आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से प्रिपेयर करें। जैसा कि एफपीएस सिस्टम में ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स होती है पाउंड वेट, सीजीएस सिस्टम में जो ग्रेविटेशनल फोर्स की यूनिट होती है वो होती है ग्राम वेट, और एम के सिस्टम में जो ग्रेविटेशनल फोर्स की यूनिट होती है वो होती है 1 किलोग्राम वेट। तो फ्रेंड्स ग्रेविटेशनल फोर्स इन तीन सिस्टम में जो यूनिट होती है और फोर्स की इन तीन सिस्टम में जो यूनिट होती है उनके बीच में क्या रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं वो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपेयर करने हैं। आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ए बॉडी व्हिच ट्रू वेट इज एम के जी अपीयर टू वेट एम डैश के जी वेट व्हेन वेटेड बाय ए मास ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इन ए मूविंग लिफ्ट, इफ द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स देन द रिलेशनशिप बिटवीन एम एंड एम डैश। हमें फ्रेंड्स एक मूविंग लिफ्ट में एक बॉडी को रखा गया है और उस बॉडी का जो एक्चुअल वेट है वो हमें गिवन है एम के जी वेट, लेकिन जब हम मूविंग लिफ्ट में उस बॉडी का वेट को मेजर कर रहे हैं वेइंग मशीन की हेल्प से तो जो वेट हमें अपियर हो रहा है वो वेट अपियर हो रहा है एम डैश के जी वेट। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि अगर ये लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही हो तो एम और एम डैश में क्या रिलेशनशिप होगा, और इसके कोरस्पॉन्डिंग ऑप्शन है एम ग्रेटर देन एम डैश, बी ऑप्शन है एम लेस देन एम डैश, सी ऑप्शन है एम इज इक्वल टू एम डैश एंड डी ऑप्शन है कैन नॉट से एनीथिंग। सबसे पहले हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से समझना है, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स, हमें लिफ्ट के बारे में केवल इतनी बात गिवन है कि जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड्स की तरफ मूव कर रही है, तो इस बात का मतलब है लिफ्ट की हमें वेलोसिटी गिवन नहीं है, और लिफ्ट की अगर वेलोसिटी हमें गिवन नहीं है तो यहां पर दो पॉसिबिलिटीज हैं कि जो लिफ्ट की वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंट भी हो सकती है और लिफ्ट की वेलोसिटी वेरी भी कर सकती है। तो फ्रेंड्स क्योंकि हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्लियर नहीं है कि जो लिफ्ट की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है या फिर वेरीज है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, वी कैन नॉट से एनीथिंग। अब इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही हो और ऊपर की तरफ एफ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही हो, और इस लिफ्ट में जो ये बंदा खड़ा है इसका वेट हम अज्यूम कर लेते हैं वेट है mg। तो फ्रेंड्स जैसे कि ये लिफ्ट एफ एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है तो ये बंदा भी लिफ्ट की हेल्प से ऊपर की तरफ जा रहा है, इस लिफ्ट ने जो फोर्स प्रोड्यूस की है वो फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन, और इस क्वेश्चन में जो हमें मास गिवन है बॉडी का मास है m, और एक्सेलरेशन जैसा कि हमने अज्यूम किया है कि जो लिफ्ट है एफ एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है तो ये फोर्स जो है ये अप्लाई हो रही है इस लिफ्ट के द्वारा क्योंकि ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन फ्रेंड्स क्योंकि ये बंदा इस लिफ्ट के ऊपर खड़ा है और ये बंदा इस लिफ्ट को भी पुश कर रहा है अपने वेट से, और हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस बंदे का जो वेट है वो है एम जी, तो फ्रेंड्स ये बंदा जिस फोर्स से इस लिफ्ट को नीचे की तरफ पुश कर रहा है वो है एम जी, और ये लिफ्ट इस बंदे को जिस फोर्स से ऊपर की तरफ
पुश कर रही है उसे एज्यूम कर लेते हैं हम आर, और आर का मतलब है रिएक्शन, जैसा कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जैसे कि इस बंदे ने इस लिफ्ट को अगर नीचे की तरफ एम जी वेट से पुश किया तो ये लिफ्ट इस बंदे को आर फोर्स से ऊपर की तरफ पुश करेगी। लेकिन हम इस कंसेप्ट में ये एज्यूम करके चले हैं कि ये लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन एफ, तो उस केस में जो ये रिएक्शन आर है ये इस एम जी वेट से ज्यादा होगा, तो इसी वजह से आर में से हमने एम जी वेट को सबट्रैक्ट किया है। तो फ्रेंड्स आर माइनस एम जी का मतलब है जिस फोर्स से ये लिफ्ट इस बंदे को ऊपर की तरफ पुश कर रही है, और वो फोर्स है एम इंटू एफ के ही इक्वल, क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि जो ये लिफ्ट है ये कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन एफ से ऊपर की तरफ जा रही है, और इस लिफ्ट के ऊपर जो टोटल मास है वो है एम, तो इसी वजह से जो टोटल फोर्स है वो है एम एफ, तो आर माइनस एम जी को एम एफ के इक्वल होना चाहिए। यहां से हम आर की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, आर जो ऑब्टेंड होगा फ्रेंड्स एम एफ प्लस एम जी, और यहां से हम इसको देख सकते हैं जो रिएक्शन फोर्स है वो इस बंदे के वेट से कुछ क्वांटिटी ज्यादा है जो कि है एम एफ। तो फ्रेंड्स अगर ये लिफ्ट स्टेशनरी होती और अगर हम इस बंदे का वेट स्टेशनरी लिफ्ट में मेजर करते तो उस केस में जो रिएक्शन होता वो इस वेट के ही इक्वल होता। तो फ्रेंड्स हम देख पा रहे हैं अगर ये लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही हो विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन एफ तो उस केस में जो इस बंदे का जो एक्चुअल वेट है वो कैलकुलेट नहीं हो रहा, हम उससे ज्यादा ही वेट कैलकुलेट कर रहे हैं, एम एफ क्वांटिटी हम एम जी वेट के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस कंसेप्ट से हमने समझा कि अगर लिफ्ट एफ एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रही हो तो उस केस में बंदे का जो वेट है वो बढ़ता है। अब हम इसी कंसेप्ट को इस केस में डिस्कस करते हैं कि जब अगर कोई लिफ्ट एफ एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रही हो, तो फ्रेंड्स फिर से हम अज्यूम करते हैं कि इस बंदे ने इस लिफ्ट को जिस फोर्स से नीचे की तरफ धकेला वो फोर्स है एम जी, और इस लिफ्ट ने इस बंदे को ऊपर की तरफ जिस फोर्स से धकेला वो है रिएक्शन आर, लेकिन जैसा कि लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है तो इस केस में एम जी माइनस आर हम कंसिडर करेंगे, ये टोटल फोर्स होगी और ये फोर्स होगी एम इंटू एफ के ही इक्वल, क्योंकि ये बंदा इस लिफ्ट में इस एफ एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है, तो जो ये फोर्स प्रोड्यूस हो रही है वो फोर्स है एम इंटू एफ। तो यहां से अगर हम आर की वैल्यू को फाइंड आउट करें, आर की वैल्यू फाइंड आउट होती है फ्रेंड्स एम जी माइनस एम एफ, तो इस बात का मतलब है जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही हो तो जो बंदे का वेट है वो एक्चुअल वेट काउंट नहीं होता, वो हम एक्चुअल वेट से कुछ कम वेट कैलकुलेट करते हैं। अब इस वीडियो का जो मेन पॉइंट है, अगर लिफ्ट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाती, फ्रेंड्स अगर ये लिफ्ट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाती तो इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होता, क्योंकि जब वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होगी एक्सेलरेशन जीरो होगा, और अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो जो ये लिफ्ट है वो एक्स्ट्रा फोर्स इस बॉडी के ऊपर अप्लाई नहीं कर पाएगी, तो उस केस में जो रिएक्शन होगा वो इस बंदे के एक्चुअल वेट के इक्वल ही होगा। तो फ्रेंड्स हमको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये बड़े ध्यान से पढ़ना है कि जो लिफ्ट है वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है या फिर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, जैसा कि हमें क्वेश्चन में ये गिवन था कि लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स, हमें ये गिवन नहीं था कि जो लिफ्ट की वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंट है या वेरी है, तो इसी वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कैन नॉट से एनीथिंग, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में गिवन होता कि लिफ्ट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन तो उस केस में जो एक्चुअल वेट है वो एपरेंट वेट से ज्यादा होता, तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन होता वो होता ऑप्शन ए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ गए हैं और इस कंसेप्ट के ऊपर आप इस तरीके के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।